सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं दलजीत तजनुबा। दोस्तों, साड़ी हमेशा कोशिश होंदी है कि असी अपने इस मंच ते उन्हां शख्सियतां नूं उन्हां व्यक्तियों नूं जिहड़े प्रमुख लियाईए जिहड़े लोग समाज की गल करदे हो, लोग की गल करदे, आवाम की गल करदे, देश की गल करदे हो, वख वख समाज के वर्गों की गल करदे हो, जिहड़ी लोगों के हक च हो। सो इसे लड़ी के तहत अज साडे नाल मौजूद ने संजीव जी, प्रोफेसर संजीव जी, जिहड़े वख वख अहम अहुदियां ते काम भी करदे ने, प्रोफेसर ने, ते दूसरी जिहड़े अज मुद्दे ने, चाहे वह पंजाब के हों, चाहे वख वख स्टेटां दे हों, ते चाहे पूरे देश के हों, उन्हां ते चिंता भी करदे आ ते चिंतन भी करदे आ। अज असीं उन्हां दे नाल वख वख मुद्दियां ते जिहड़े भी असीं दे मौजूदा अहम भावें मुद्दे आ उन्हां ते असीं गल करांगे। ते संजीव जी, तुहाडा स्वागत है जी लिविंग इंडिया न्यूज़। सर, अज असीं तुहाडे नाल राबता कीता कि असीं बहुत इस वेले भावें मुद्दे हैगे आ, ते सब तो पहला तो असीं गल करिए जिहड़ा तुसीं अपने इस वेले गल कीती सी वन नेशन वन वो जिहड़ी आ उह मुद्दा की आ जिहड़ा सरकार बन रहा है। ते सर, वन नेशन वन इलैक्शन जिहड़ा एक बहुत वड्डा मुद्दा जिहड़ा उभर के सामने आ रहा, और खास करके आने वाली 18 तरीक तो लैके 22 तरीक तक एक विशेष सैशन जिहड़ा पार्लीमेंट का इसनों सद्या गया, जिसनों लैके बहुत सारे कयास जिहड़े लगाए जा रहे हैं कि शायद इस सैशन दे विच बहुत कुछ वड्डा होने वाला है, क्योंकि इलैक्शन 24 दे विच है। सो उस तो पहला कुछ ना कुछ वड्डा तो नैचुरली होएगा, लेकिन की होने वाला इसकी कयास इस करके ज़्यादा लग गई क्योंकि फॉर्मर प्रेजिडेंट साढ़े रामनाथ कोविंद जी के अंडर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसे एक देश एक इलैक्शन जिहड़ा इस मुद्दे उत्ते गलबात की। हुण जदों असीं ये गल करते हैं कि पूरे भारतवर्ष विच एक देश एक चुनाव इको समय सारे चुनाव करने, सो ये बड़ा वड्डा इशू बन जाता, क्योंकि इदां दीआं चीज़ां कदे संभव नहीं होईआं। 1951 तो पहला तो इदां पॉसीबल सीगा, लेकिन हुण अलग अलग समय से अलग अलग स्टेट के अलग अलग इलैक्शन होंगे है। सो इस एक करने वास्ते बहुत सारा कुछ करन दी लोड़ है। खास करके इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये बयान दिता है कि 1900 जो लास्ट इलैक्शन से 2019 वाला जी, ये लगभग 60,000 करोड़ रुपये तो ज़्यादा कला पार्लियामेंटरी इलैक्शन खर्चा हुआ। ये तर्क दिता जाता है कि ये जो पैसा है देश के विकास में लग सकता है, क्योंकि चोणों में बहुत सारा पैसा जोड़ा वो लगातार असं देखते हैं कि पानी अंगर बहाया जाता है। 60,000 करोड़ रुपया तो वो फिगर है जी ऑफिशियल ऑफिशियल है, इस तो अलावा बहुत सारा पैसा जोड़ा चोणों में खर्च होंगे। सो ये उत्ते सरकार का तर्क है कि पैसा जो विकास लगाया। जिहड़ी दूसरी गल इहदे एडवांटेज ये हो सकते हैं कि इहदे नाल पैसा समा बहुत सारा बचदा, सरकार दा तर्क है कि बार बार चोणां होण दे नाल कोड ऑफ कंडक्ट जिहड़ा लगाना पैंदा और विकास दे कार्ज रुके जांदे। सो ये भी सरकार दी दलील है कि इहदे नाल ये काम जिहड़े आ उह स्मूथ चलणगे। लेकिन कुछ एक अपवाद जिहदे नाल बहुत सारे जुड़े, एक तां ये चीज़ जिहड़ी कहणी कि 60,000 करोड़ रुपया वेस्ट मनी है, शायद इदा भी नहीं पॉसीबल हैगा, क्योंकि ये भी एक इलैक्शन इंडस्ट्री साढ़े देश में पैरल चल रही, जिसे बहुत सारे लोगों का रुजगार इलैक्शन के नाल जुड़िया होंगे, झंडे बनाने वाले, फ्लैक्सा बनाने वाले, टेंटिंग का काम करने वाले, कैटरिंग वाले, या लाउड स्पीकर के उत्ते जिहड़े काम करते हैं। सो अलग अलग बंदा उहदा ये हुंदा कि इलैक्शन जिहड़ा आना और इहदे विच साडा काम धंधा जिहड़ा उह चलना। सो ये पैसा कितने ना कितने रीसाइकल मार्केट दे विच हुंदा। तो ये तर्क देना कि सारे सारा पैसा वेस्ट हो तो फिर भी गल जी कुछ ठीक होती नहीं जी। दूसरी चीज़ जी ये मैं ये लगता है डिसएडवांटेज शायद ज़्यादा हो सकते हैं कि एक तो पूरे भारत के इलैक्शन एक नाल कराने राष्ट्रीय मुद्दों के उत्ते इलैक्शन होगा, जो तो राष्ट्रीय मुद्दों के उत्ते इलैक्शन होगा तो खेतरी दल जोड़े साढ़े है इन का रोल जोड़ा वह कितना ना कि बहुत सिकुड़ के रह जाएगा, और चोणा जिहड़ियां उह शायद बाई पार्टी सिस्टम वल नूं चले जाणगे, जिहदा कितें ना कितें फैडरलिज़म नूं खतरा जिहड़ा साडे देश च देखण नूं। फिर इहदे विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनस बहुत सारियां चेंजेस करनियां पैणगियां, संविधान दा जिहड़ा रिप्रजेंटेशन एक्ट हैगा इस नूं बदलना पएगा, और कल्ला उहनां ने बदलना उहदे नाल 5 आर्टिकल्स होर जिहड़े उहनां विच वी तब्दीली जिहड़ी आ उह करनी पएगी। इस तों अलावा ये सब तो बड़ा सवाल यह है कि सारिया विधानसभावां भंग करनियां पैणगियां, क्योंकि कईआं विच इलैक्शन साल बाद आ, कईआं च 2 साल बाद आ, कईआं च 4 साल बाद इलैक्शन होणे,
ਰੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ 50% ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਪੇਚੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ।